गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज की जय हो, समस्त संतगणों की जय हो, समस्त भक्तगणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तीर्थराज को प्रणाम करते हुए जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ कल्पवास एवं संतों के द्वारा सत्संग कथा प्रवचन श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा अन्यादि चर्चा कर पा रहे हैं, आप लोग श्रवण कर पा रहे हैं, तत्पश्चात त्रिवेणी मैया को प्रणाम करते हैं, माँ गंगा को प्रणाम करते हैं जिनकी गोद में बैठकर हम और आप जो कल्पवासी हैं, एक महीना कल्पवास करते हैं अर्ध कुंभ में भी, और माघ मेला तो हर वर्ष प्रयाग में माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आओ सब कोई, तो माघ में भी कल्पवास होता है और अर्ध कुंभ में तो कल्पवास के साथ साथ भक्तों का आवागमन चल ही रहा है। आज इस पर्व का, इस कुंभ पर्व का, या हम यूं कहें कि माघ मेला भी जब जब होता है तो सबसे मुख्य स्नान, सबसे महत्वपूर्ण स्नान हम लोग मनाते हैं, स्नान करते हैं, मौनी अमावस्या। और इस स्नान पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु सुबह से आप लोग, हम लोग सब देख रहे हैं, और परमात्मा की ऐसी कृपा है, तीर्थराज प्रयाग की कृपा है कि माताओं बंधुओं इतने करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, किंतु उसके बाद भी कहीं कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो पाती है। मुझको तो यहाँ के एक बार एसपी मेला भी मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि महाराज जी अगर कोई ये सोचे कि हम सुरक्षा बल मिलके ये सब कंट्रोल करते हैं तो करोड़ों श्रद्धालुओं पर रेशियो निकाला जाए तो हजारों के बीच में एक पुलिस वाला होगा, तो ये कोई ना पुलिस संभाल सकती है ना कोई और व्यवस्था संभाल सकती है, ये तो परमात्मा है जो हमको आपको यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित स्नान करा के और पुनः अपने घर भिजवाता है। माताओं बंधुओं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कथा में, प्रसंग में, नारद जी महाराज ने भगवान श्री राम को श्राप दिया और उस श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। इच्छा तो भगवान की ही थी किंतु माध्यम नारद जी महाराज बने। महादेव माता पार्वती से यही कहते हैं, देवी एक कल्प एही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सजन सुखद हरि भंजन भव भार। तो भगवान भक्तों को सुख देने के लिए और माता पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लेकर के आते हैं, और अन्य अन्य कारण होते हैं, कोई एक यही कारण नहीं है। भगवान की अनन्य अनगिनत कथाएं हैं। अगर कोई हम और आप कहते हैं कि भगवान श्री राम ने वह लीला की, कोई संत किसी प्रकार से कथा सुनाता है, कोई संत किसी प्रकार से सुनाता है, कथा किसी की भी गलत नहीं है, ये तो प्रभु की कथा है। महादेव कह रहे हैं, देवी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहु विधि सब संता। सारे संत कई प्रकार से, नाना भांति से, जिस प्रकार भगवान के अवतार को, भगवान की कथा को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने अपने अनुसार उनका वर्णन करते हैं। माता पार्वती को महादेव ये कथा सुना ही रहे, भरद्वाज जी महाराज जाग बलिक जी महाराज को यह कथा सुना रहे हैं, काग भुशुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पूरे कुंभ मेले में आप देखेंगे तो न जाने कितने संत अपने अपनी शैली के अनुसार, अपने अपने
जथामति आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। तुम कथा सुनाते सुनाते भगवान कहते हैं, देवी एक कारण और भी है प्रभु के जन्म का, ये सब तो है ही लेकिन एक कारण और है। कहा किसी ने श्राप दिया क्या और प्रभु को? कहा नहीं नहीं श्राप तो बहुत लोगों ने दिया ही दिया, लेकिन एक को भगवान ने, एक भक्त को भगवान ने वरदान दिया। वरदान देने के कारण भी भगवान को जन्म लेना पड़ा। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के लिए। उन्होंने प्रभु को पुत्र के रूप में मांगा, उन्होंने तपस्या किया कि प्रभु आप हमारे पुत्र बन के आए। भगवान के जन्म का एक यह भी कारण है। गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। महाराज मनु, शास्त्रों में वर्णन है कि महाराज मनु और महारानी सतरूपा की जो उत्पत्ति हुई थी ना ब्रह्मा जी के द्वारा, वो उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। महाराज मनु और महारानी सतरूपा की उत्पत्ति, इसलिए इस दिन को हम लोग मौनी अमावस्या के रूप में भी मनाते हैं। ये आज ही की घटना थी ऐसा वर्णन है। तो स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो आपने उनका उल्लेख सुना ही। रामचरितमानस में भी भगवान गोस्वामी जी बड़े सूक्ष्म तरीके से बता रहे हैं। जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, नृपोतान पाद सुत जासु, और ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, देवहुति लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि, देवहुति पुनितासु कुमारी। माता देवहुति इनकी कथा भी सुनी आपने, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजे कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं पूरे परिवार का। माताओं बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की और उनकी पत्नी माता सतरूपा की। ध्यान दीजिएगा, महाराज मनु और महारानी सतरूपा, उनके परिवार को देख लीजिए। पहले परिवार में पति और पत्नी, तो पति और पत्नी के लिए पहले सबसे पहले गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दंपति धर्म आचरण निका। देखिए कैसे समझेंगे इस बात को, क्यों ये सब कह रहे हैं गोस्वामी जी। विषय विराग तेहि मनुराज कीन बहु काला, और नृपवायसु बहु विधि प्रतिपाला। लेकिन अंत में क्या सोचते हैं कि हो ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग नहीं हो रहा है, विराग नहीं आ रहा है, गृहस्थी में मन लगा जा रहा है। क्या अर्थ हुआ? तो विषयों से वैराग क्यों होता है ये समझ लीजिए पहले, परिवार का जो उन्होंने वर्णन किया। आज के कलयुग में हम लोग अगर कहें माताओं बंधुओं, तो व्यक्ति अपने घर को कब छोड़ता है? 90%, 90% की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी ने लिखा है कलयुग के वर्णन में कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड़ मुड़ाई भये सन्यासी। भाई या तो स्त्री चली जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो माताओं बंधुओं, मैं ये कह रहा था, आपसे निवेदन कर रहा था कि पत्नी के मृत्यु पर या फिर पत्नी की प्रताड़ना पर, दोनों बातें हैं भाई। आज के कलयुगी बाबाओं की बात, कलयुगी वैरागियों की बात, या वैरागी भी ना कहें, उन कलयुगी लोगों की जो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं बेचारे। कलयुगी होना उनका अपराध नहीं है, कलयुगी होना उनको दंड है, अपराध नहीं है उनका, ये उनके लिए दंड है।
कि वृद्धाश्रम में चले जाते हैं या भगवा वस्त्र की तरफ चले जाते हैं। क्यों भाई? पत्नी की प्रताड़ना या पत्नी की मृत्यु या सब घर घर गृहस्थी चली जाए, पैसा चला जाए, धन चला जाए तो बाबा बन जाते। माताओं बंधुओं महाराज मनु के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उनकी पत्नी के साथ गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा आचरण में कोई भी गलती नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था पत्नी से, कोई दुत्कार नहीं थी, कोई डांट फटकार नहीं थी पत्नी की कि डांट फटकार खा के चले जाए महाराज मनु। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो क्या तुलसीदास जी महाराज रहे? अरे वो तो रत्नावली की कृपा थी, न रत्नावली फटकार लगाती और न गोस्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बनते। तो माताओं बंधुओं घटना जरूर रत्नावली की थी, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि पत्नी की फटकार खाने से तुलसीदास बना जाता होता ना, तो आज इस दुनिया में न जाने कितने तुलसीदास घूम रहे होते बन के। ये तो भगवान की कृपा जिस पे हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी महाराज रत्नावली जी की फटकार से नहीं बने हैं, ये तो अति हरि कृपा जाही पर होई, पांव दे ये ही मारक सोई, तो वो तो प्रभु की कृपा हो गई थी, इसलिए वो तुलसीदास जी बन गए थे। तो महाराज मनु के साथ ऐसी कोई समस्या भी नहीं थी कि पत्नी की कोई डर था या फटकार थी, दोनों का आचरण बड़ा नीका था। गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, और नृपुतान पात सुतासु। उतान पात जी जिनके बड़े बेटे हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा अच्छा उल्लेख है उनका। उत्तान पात क्या होता है? जिसके पैर उल्टे हो और सिर नीचे हो। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव जी जिनके पौत्र हुए, छोटा बेटा लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही। देखिए दोनों भाइयों में देख लीजिए और दोनों बेटों में देख लीजिए। सबसे पहले छोटे बेटे को देख लीजिए, कथा तो आपने सुनी विस्तार से। माताओं बंधुओं बेटा ऐसा है जिसे जमीन जायदाद से कुछ लेना देना ही नहीं है, प्रियव्रत आप बताइए, ना कोई राजपाट से लेना देना, ना पिता की संपत्ति से लेना देना। अरे वो तो राज करना ही नहीं चाहते थे, कथा में जबरदस्ती उनको सिखाया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, तब जा करके वो राज करने को राजी हुए, तैयार हुए। ऐसे छोटे बेटे लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही, और देवहूति पुनितासु कुमारी। बेटी देवहूति जैसी हुई, अरे इतनी आज्ञाकारी बेटी हुई कि चक्रवर्ती सम्राट की बेटी। माताओं बंधुओं कितनी सुकुमारी होगी आप कल्पना करिए, कितनी ख्याल से देखरेख से रखी होगी। और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने उनका विवाह कर्दम ऋषि जी से करने का विचार कर लिया, लेकिन बेटी ने एक बार ये नहीं कहा, कह रहे ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, मेरा जीवन क्यों बिगाड़ रहे हैं। माता पिता की इतनी आज्ञाकारी बेटी और पति के लिए भी कितनी सेवा भाव माता देवहूति में रही है कि उसकी चर्चा होती है कथा में। ऐसी संस्कारी माता देवहूति, देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कहे प्रिय नारी, और आदि देव प्रभु दीन दयाला। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के गुरुदेव भगवान महाराज कपिल, जो प्रथम देवता हुए, प्रथम प्रभु हुए हमारे यहाँ, आदि देव हुए, तो माताओं बंधुओं पौत्र के रूप में भगवान कपिल आए। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजे ही कपिल कृपाला, शांख शास्त्र जिन प्रगट बखाना। जिन्होंने शांख शास्त्र का वर्णन किया, रचना की, शांख शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल, शांख शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। अब आप लोग विचार करिए माताओं बंधुओं,
ऐसे महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जिनका बड़ा बेटा उत्तानपाद, छोटा बेटा प्रियव्रत, बेटी देवहूति, पौत्र ध्रुव और भगवान कपिल जैसे, दामाद कर्दम मुनि जैसा, माने परिवार में तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं थी, सब लोग एक से एक परिवार में। दूसरा कारण आजकल घर छोड़ने का एक ये भी है, परिवार से प्रताड़ना, परिवार से अपमान, तो सब कुछ। और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट, पत्नी दंपति धर्म आचरणी का, सब कुछ पाने के बाद भी महाराज मनु संपत्ति सुख प्रतिष्ठा वैभव परिवार सब कुछ पाने के बाद भी महाराज मनु एक समय सोच रहे हैं कि हो ही ना विषय विराग, इन विषयों से वैराग क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या कारण है कि मैं इन विषयों में ही फंसा हूं, कब इनसे निकलूंगा मैं, विषयों से कोई समय तो आए कि मैं निकलूं। हो ही ना विषय विराग, तो क्यों नहीं हो रहा वैराग्य माताओं बंधु, ध्यान दीजिएगा भाई, वैराग्य के लिए कोई समय नहीं आता कि आप सोचें कि कोई ऐसा समय आएगा जब विषयों से वैराग्य हो जाएगा, ठीक है। महाराज मनु सोच रहे हैं कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन, और खुद ही कारण भी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, खुद ही उनके प्रश्न में उत्तर है कि भवन बसत भा चौथ पन। अरे भैया, चौथे पन तक आपने सुख भोगा, चौथे पन तक चक्रवर्ती सम्राट बन के आप आनंद किए, तो माताओं बंधुओं एक बात बताइए, आप और हम लोग यदि इस बात को सोचें कि भगवान की भक्ति करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएगा, कथा प्रवचन कब सुनेंगे, जब बिल्कुल सारे परिवार से निवृत्त हो जाएंगे, तो ऐसा कभी संसार में होना नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ये जो विषय है ना, इन विषयों को आप जितना सेंगे, जितना इन विषयों में अपना मन लगाएंगे, ये विषय आपको उतना अपनी तरफ खींचते जाएंगे, अपनी तरफ खींचते जाएंगे। कैसे, मैं एक पहले तो एक उदाहरण से दूंगा, उसके बाद आगे हम लोग प्रसंग पे आएंगे। इसका एक उदाहरण देखने के लिए मैं किसी छोटे बच्चे को देख रहा हूँ, वो लाल स्वेटर में छोटा बच्चा खड़ा हो तो, हाँ तुम ही बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, सुभाषित, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ और उदाहरण से बात कर रहा हूँ। ये सुभाषित है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और दूसरा नाम मैं ले लेता हूं हमारे सुरेश भाई का, इनको जानते हैं, बैठे हुए हैं आगे, तो एक दोनों एक राशि, नाम राशि, वो सुभाषित आप सुरेश जी, ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु। सुभाषित ने पूरे जीवन भर में कितने रसगुल्ले खाए होंगे अभी तक, 2 किलो, बहुत ज्यादा तो 2 किलो खाए होंगे, इससे ज्यादा क्या खाए होंगे अभी तक। और हमारे सुरेश भैया ने अभी तक के पूरे जीवन में कितने खाए होंगे, 10 किलो अगर एवरेज मान ले, अगर बहुत परहेज करते होंगे ये मीठे से, तो अगर कोई मीठा खाने का शौकीन है तो हो सकता है 20-25 किलो भी खा लिया अभी तक। सुभाषित वो बच्चा, वो जब रसगुल्ला खाने जाएगा, आज कल परसों जब उसका मन किया, उसको सामने थाली में रसगुल्ला दिख गया, और उसने रसगुल्ले को उठाया और उठाकर अपने मुख तक लाया, यहां तक, और तब तक उसकी मम्मी ने डांट दिया कि रखो नीचे, मेहमानों को देने के लिए है, आपके लिए नहीं है, रखिए इसको, दांत खराब हो जाएंगे आपके, बहुत मारेंगे आपको अगर आज के बाद आपने रसगुल्ला अगर देखा और खाया तो ये डर के मारे रख देगा। और उसके बाद माताओं बंधुओं ऐसा हो सकता है कि वर्षों बीत जाएं, सुभाषित रसगुल्ले को देखे और उसका मन भी ना करे रसगुल्ला खाने का, क्योंकि उसकी माता ने उसको फटकार दिया है,
और वही हमारे सुरेश भाई अगर मीठा प्रेमी होंगे तो उनको रसगुल्ला ना दिखाया जाए, लेकिन मैं और सुरेश भाई बैठे अंदर और मैं इनसे कहूं कह रहे सुरेश भाई रसगुल्ला, अरे क्या स्वाद होता है उसका, क्या मिठास होती है, जब मुंह के अंदर जाता है तो बिल्कुल गल जाता है, देखा जाए कहीं मिल रहा है कि नहीं, बड़ा मन कर रहा है उसके खाने का रसगुल्ला रसगुल्ला। ऐसे दो चार बार करूं तो चाहे रसगुल्ला सामने ना भी हो लेकिन सुरेश भैया के मुंह में रसगुल्ला को सोच के मुंह में पानी आने लगेगा, याद आने लगेगा अरे रसगुल्ला मिल जाए, काश महाराज जी ने तो ललचवा दिया इतनी बात कर दी। कारण कारण सुभाषित ने खाया है अभी केवल एक दो किलो रसगुल्ला, उसको उस रसगुल्ले के स्वाद की आदत नहीं लगी है। और वही भैया जी ने खाए हैं 10 किलो रसगुल्ला, उनको उस स्वाद की उस विषय की आदत लग चुकी है। माताओं बंधुओं ठीक इसी प्रकार यदि हम और आप सोचें कि 50 साल 60 साल गाड़ी में घूमकर एसी में रह करके मोबाइल पे बातें करके डनलप के बिस्तरों पे और सोफे पर सो करके और परिवार के बीच में बेटों को बच्चियों को नाती को पोतों को खिलाने के बाद और 60 साल के बाद 65 साल के बाद रातों रात कोई ऐसा चमत्कार होगा कि हमको विषयों से वैराग्य हो जाएगा और हम वहां से निकल जाएंगे तो ये होना असंभव है। ध्यान दीजिएगा, विषयों से वैराग्य विषयों को सेने से कभी हो ही नहीं सकता है। माताओं बंधुओं ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक शराबी होता है ना, शराबी तो शराबी पहले पीता है शराब और हर शराब पीने वाला पहले पहले यही सोचता है कि हमको नशे की आदत नहीं लगेगी, चाहे वो शराबी हो चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला, पहले पहले नहीं सोचता वो किसको आदत लगेगी। एक शराबी था तो उसने कहा अपने मित्र से कि मेरे मित्र मैं शराब इसलिए नहीं पीता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं मुझे आदत ना लग जाए शराब पीने की। तो उसका मित्र कहता है अरे मित्र काहे इस बात की चिंता कर रहे हो, अरे हमें 15 साल हो गए जब हमें आदत नहीं लगी तो तुमको कहाँ से लगेगी। तो यही बात देखिए माताओं बंधुओं, शराब पीने वाला व्यक्ति इतना उस विषय में वो तामसिक विषय इतना खो जाता है कि यहाँ तो संभ्रांत लोग भी कई बैठे होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार और उनसे बड़े लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मजदूरों की, उन बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों की जो सुबह से शाम तक ईटा गारा उठाते हैं, नींव बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, शाम को 300 रुपए कमाते हैं और 300 कमाने में 100 रुपए की चाहे बोतल हो चाहे 150 की हो, उसकी उसके उसकी बढ़ने से उसके खर्चे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोतल लेते हैं, उसके बाद खाया क्या जाएगा, खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे सामान, ये बाद में सोचते हैं, पहले बोतल आ जानी चाहिए। माने चाहे कितनी बोतल का रेट बढ़ जाए और चाहे उनके पास पैसे कितने कम क्यों ना हो, लेकिन शराब रोज पीते हैं। क्यों? एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि ये शराब पीने वाले भी अजीब होते हैं, ये शराब पीने वाले भी अजीब होते हैं, रोज पीते हैं शराब फिर भी गरीब होते हैं, पीने के लिए न जाने कहां से आ जाती है पैसे और कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है। क्यों? अरे भाई जब आप खर्च कर दोगे कहां से आएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे वो शराबी होता है विषय में लीन हो जाता है, एक पहले पहले तो वो शराब को पीता है। देखिए हम सब किसी ना किसी नशे में, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सबसे ज्वलंत उदाहरण है और सरल समझने वाला उदाहरण है, ठीक है। तो पहले पहले तो वो शराब को पीता है, बाद में शराब उसे पीने लगती है। जैसे पहले पहले हम विषयों की आदत डालते हैं, बाद में विषय हमको घेर लेते हैं, फिर नहीं छोड़ पाते। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होता है जानते हैं? फिर ये होता है कि वो रोज सोचता है वो शराबी कि कल से छोड़ दूंगा, बस आज और कल से, रोज परेशान रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, मान लीजिए उसके पास खूब सारे पैसे आ जाए कहीं से, तो जब खूब सारे पैसे आ जाते हैं तो वो सोचता है कि आज की रात तो इतनी छक के पीऊंगा, बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, अपने आप को पूरा तृप्त कर लूंगा, और जब पूरा तृप्त हो जाऊंगा ना तो फिर कल से नहीं पीऊंगा, भाई मैं तृप्त हो जाऊंगा, अपनी पूरी मन को शांति कर लूंगा। और क्या करता है, खूब पीता है, इतना पीता है कि गिर भी जाता है नाली में, रात भर गिरा भी रहे,
हमारे एमपी वाले भी तो लोग बैठे हैं, तो एमपी वाले बैठे हैं कोई, अतरालिया वाले नहीं गए इधर उधर, तो माताओं बंधु हैं एमपी में क्या कहते हैं जानते हैं? एमपी में जो यहाँ पे जो बार होता है ना, यहाँ आता कहते हैं, वहां पे कहते हैं कलाली, मध्य प्रदेश में शब्द है इसके लिए। तो एक कवि मजाक मजाक में कहता है कि देखिए कैसी होती है इनकी विचारधारा, इनकी विचारधारा होती है कि शाम को बैठे कलाली में, यही पीने वाले, एक बात समझ लीजिए, मैं उदाहरण इसका दे रहा हूं लेकिन मैं कुछ शराब पे नहीं आपको सुना रहा हूं, ये नशा जीवन का है। जैसा हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु का जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं शराब का, लेकिन बात जीवन की कर रहा हूं। तो शाम को बैठे कलाली में और रात गुजारी नाली में, गम ना कर फिक्र ना कर प्यारे, कल फिर बैठेंगे कलाली में। क्या जा रहा है, आज गिर गए फिर कल उठ जाएंगे, ये है विषय। तो क्या करता है वो, रात भर पीता है और कसम खा लेता है कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन जैसे ही अगले दिन दोपहर तक होती है, शाम आते आते वो सोचता है कि अरे कल ज्यादा पैसे खर्च कर दिए मैंने, काश थोड़े बचा लेता तो आज भी पी लेता फिर छोड़ देता। उसी प्रकार माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, हम लोग सोचें कि अरे पहले घर बन जाए तब संन्यास ले लेंगे, सत्संग में लग जाएंगे, बच्चे की शादी हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, उनका घर बन जाए, नाती पोते हो जाएं और उनका भी विवाह हो जाए। ये एक अनंत काल तक चलने वाला चक्र है जिसका कोई और छोर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप सोचे कि हम एक समय के बाद संन्यास लेंगे तो क्या होगा जानते हैं? आप एक विषय को खत्म करेंगे दूसरा उत्पन्न हो जाएगा, वो विषय तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। अरे भाई एक कमरे में एसी लगाना पहले बहुत बड़ी बात होती थी, और आप यहां देख लीजिए, विचार कर लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में एसी नहीं होगा, सबके घर में होगा। आजकल एसी होना बड़ी आम बात हो गई, पहले जिसके यहां होता था वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, फिर दूसरे कमरे में भी चाहिए, तीसरे कमरे में भी चाहिए। विषयों को जितना सेंगे वो और बढ़ते जाएंगे। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। माताओं बंधुओं, जब भगवान श्री राम रावण के सामने युद्ध करने खड़े हुए ना, तो उन्होंने रावण को मारा बाण, तो जैसे ही बाण मारा तो रावण का सिर कटा और सिर कट के नाचने लग गया, और दूसरा सिर आया और फिट हो गया धड़ पे, ये नाच रहा है, दूसरा फिट हो गया, फिर मारा बाण, फिर वो सिर निकला, वो नाचने लग गया, तीसरा सिर फिट हो गया, फिर किया, फिर वो नाचने लग गया, चौथा फिट हो गया। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं इसको बाण मार के इसके सिर कम कर रहा हूं, किसके सिर और बढ़ा रहा हूं,